संगम सर, प्लीज प्लीज आइए और मुहूर्त कीजिए, आइए। कभी नहीं, मैं तुम्हारे हेल्प करके बार बार फंस जाता हूँ। मैं तुम्हारा कोई मुहूर्त मुहूर्त नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू पतलू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू पतलू, आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑफिस खोला है। मेरी लड़की की शादी है, आप उसकी शादी का सारा मैनेजमेंट कर लेंगे? अरे हाँ हाँ, कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। उड़ी बाबा, अरे इसको तो शादी करवाने का आप 20 साल का तजुर्बा है। क्या कहा, 20 साल का तजुर्बा? लेकिन इन्होंने तो ऑफिस अभी खोला है। खोला है, अरे आप भी खोला है। शादी नहीं किया तो क्या हुआ, बाराती बहुत देखा है। क्या बात है? तो अब हमें यहाँ का सारा काम करना है, बैंड वाले से लेकर पंडित, खाना पीना सब की जिम्मेदारी अपनी है। पहले हल्दी का प्रोग्राम है, लड़की को हल्दी लगाई जाएगी। रेडी? मोटू तो जल्दी से हल्दी तैयार करो, अच्छी क्वालिटी की हल्दी बनाना। अभी मैं क्या कहूँ, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया था जिससे इसके चेहरे पर ये दाग आ गए, तो ऐसी हल्दी लगाना कि सारे दाग साफ हो जाएं। आप बस चिंता मत करो, मोटू पतलू का कमाल देखो। बन गई हल्दी, हाथ धो लेता हूँ। हल्दी में मिला दिया तो पीला पेन, अब मोटू पतलू की अच्छी धुलाई होगी। लीजिए। अरे ये क्या है? अरे ये हल्दी बनाई है, इसका तो रंग ही नहीं उतर रहा है। किधर गया वो हल्दी वाला? क्या हुआ, और हल्दी चाहिए? अरे मेरी बेटी के चेहरे पर हल्दी की जगह पीला पेंट लगा दिया, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। पीछो, पीछो उसे। अरे मैंने तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हल्दी लगाई थी। जान बनेगा जान। मोटू पतलू को अभी और पिटवाऊंगा। अब हम लोग संगीत के लिए आप लोगों को डांस सिखाएंगे। देखिए, आप लोगों को हमें फॉलो करना है, तभी तो आप सब डांस सीखेंगी। ओके ठीक है, ऑन करो म्यूजिक। सिखा रहे हो या एरोबिक्स क्लासेस? चल नचा के थका रहे हो, चलो भागो यहाँ से, भागो। रुक जाओ, स्टॉप। पंडित जी और बैंड वाले भैया, श्रीवास्तव जी के यहाँ मत जाओ, वरना मैं तुम सबका बैंड बजा दूंगा। ढम ढम ढम, क्या बजा दूंगा? बैंड? तो फिर बैक टू पवेलियन। मोटू पतलू को अब मुझसे बचाएगा कौन?
मोटू पतलू, ये क्या हो रहा है? अभी तक ना बैंड आया और ना ही पंडित आया है। ये शादी है या क्या है? तुम लोगों ने अभी तक एक भी काम ठीक से नहीं किया है। बैंड? अभी बुलाता हूँ बैंड वाले को। आ रहा है, डोंट वरी। पतलू, बैंड वाला क्यों नहीं आया? फोन किया उसे? हाँ, वो लोग भाग गए। बोलता है वहाँ पिस्तौल दिखाता है, नहीं जाऊंगा। क्या? कौन पिस्तौल दिखाता है? और पंडित? वो भी यही कह रहा है, नहीं जाऊंगा वहाँ, पिस्तौल दिखाता है। अरे अब क्या करे? पतलू तुम ही कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। अयमा, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? हम ये सब काम नहीं कर सकते। बुड़ी बाबा, मैंने 20 साल का तजुर्बा में एक कॉप भी ऐसा काम नहीं किया। मैं सुनिए, बबल वाले ने मेरे पैर मेरी यार, मैं बैंड वाला नहीं बन सकता यार। तो फिर फाइनल हो गया, डॉक्टर झटका बनेंगे पंडित और चिंगम सर घसीटाराम बनेंगे बैंड वाले। Left, right, 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 left
ओहो, ये क्या बजा रहा है? अरे ये क्या बजा रहा है? अरे ये क्या बजा रहा है? अरे तुम बैंड बजा रहे हो, परेड करवा रहे हो? मैं तो ऐसा ही बैंड सिक्का हूँ, यही बजाऊंगा। मारो, मारो! कसीराम भागो यहाँ से, इधर तो हमारा ही बैंड बज गया। मोटू तो हमको पिटवा दिया, हमारे 20 साल का तजुर्बा में हम कभी ऐसा शादी नहीं देखा। ये पहलो माला, बन जाओ पंडित। पंडित जी आ चुके हैं, शादी शुरू की जाए। पंडित जी, शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। दूल्हा आपके सामने है, दुल्हन बस आती ही होगी। अरे मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुमने मुझे फंसा दिया यार। जाओ जाके मेरी कार से घी का डब्बा लेके आओ, जो मैंने अपने घर के लिए बाजार से खरीद के लाया था यार। बड़े भैया अभी गया और अभी आया, आपने इस बात को साबित कर दिया कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और तुमने ये साबित कर दिया कि दोस्त ही दोस्त को मुसीबत में फंसाता है यार। अब जाओ जल्दी से घी का डिब्बा लेके आओ। जाओ यारी, अभी लाया। पंडित जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए। ओके ओके मेरे भाई, मेरे यार, लड़की को बुलाओ, जब तक मैं मंत्र स्टार्ट करता हूँ यारी। ओ कसम पैदा करने वालों की स्वाहा यारी, ओ कसम मेरे मरीजों की स्वाहा यारी। दबा ये। ओए मार सुनिया पापड़ वाले, नो स्वाहा यारी। ओ कहाँ फंसा दिया यार मेरे पाई, मेरे यार, मेरे बोटू, स्वाहा स्वाहा। अरे ये किस पंडित को पकड़ लाए, ये तो उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ रहा है, जरूर कोई नकली पंडित है। भैया आग में घी डालो जल्दी। ओए मोटू, आग में घी पड़ चुका है यार, अब हम सब जलने वाले हैं। स्वाहा। जल गया। चोरी करके भाग रहा था। अरे ये चोरी करके भाग रहा था, ये तो चोरी करने आया था। अरे ये तो हमारी लड़की के सारे जेवर चोरी करके भाग रहा था, हम तो बर्बाद हो जाते हैं, मोटू पतलू की वजह से बच गए। हाँ जी बताइए, आपको किससे मिलना है? अरे पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे बेटी तुम, ये कैसे चमत्कार हो गया, तुम्हारे चेहरे के वो केमिकल वाले दाग कहाँ गए? पापा, मोटू जी ने जो हल्दी में पेंट मिलाकर दिया था उससे मेरे सारे दाग निकल गए और मेरा चेहरा निखर गया।
मोटू पतलू तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अरे जल्दी से कोई दूसरा पंडित बुलाओ, ये शादी धूमधाम से होगी। तब तक हम मोटू पतलू की जय जयकार करेंगे। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। मैं जो भी करता हूँ हमेशा उल्टा ही पड़ जाता है। किस्मत हमेशा मोटू पतलू का ही साथ देती है, वो हमेशा जीत जाती है। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।